मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अब उनके यहां तो सूर्य नहीं है, तो सूर्य नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सूर्य ही एक ऐसी शक्ति है पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जो मैंने आपसे कहा कि 350 से ज्यादा कीटाणुओं और जीवाणुओं को मारने की ताकत अकेले सूर्य में है। तो उन इलाकों में जहां सूर्य है नहीं, वहां सभी तरह के जीवाणु और सभी तरह के कीटाणु पनपते हैं। तो उन देशों में सबसे ज्यादा बीमारियां वायरल इंफेक्शन और बैक्टीरियल इंफेक्शन की ही होती है। अब उनके यहां जो बीमारियां हैं वो सूर्य के नहीं होने से हैं, तो उन बीमारियों का इलाज एक खास तरीके से किया जाता है। अब भारत में क्या है? भारत में तो सूर्य की इतनी प्रचुरता है, फिर यहां कोई बीमारी आएगी तो इसका इलाज किसी दूसरे तरीके से किया जाएगा। अगर हम उनकी नकल करके इलाज करने लगेंगे तो अपना ही नाश करेंगे, क्योंकि यहां जो डिसीज है, बीमारियां हैं, वो वायरल और बैक्टीरियल इतनी नहीं है, वो दूसरे किस्म की है। उनके यहां जो बीमारियां हैं वो वायरल और बैक्टीरियल किस्म की ज्यादा। अब ये जो वायरल और बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं, अगर इनको कंट्रोल ना करो तो ये बिल्कुल संक्रामक बीमारी की तरह से फैलती है। एक वायरस है, पैदा हो गया, अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो वो पूरे इलाके में फैलेगा और सबको चपेट में लेगा। एक बैक्टीरिया है जो पैदा हुआ, अगर आपने उसको नियंत्रित नहीं किया तो पूरे इलाके को चपेट में लेगा। तो वहां की मजबूरी क्या है कि जैसे ही कोई बीमारी फैलती है तो सरकार सभी को मास वैक्सीनेशन शुरू करा देती है। मास वैक्सीनेशन माने सबको टीके लगाओ, किसी को मत छोड़ो। तो इसलिए यूरोप में क्या होता है, कोई भी छोटी सी बीमारी या महामारी आई तो सबको टीके लगाना अनिवार्य कर दिया जाता है। कारण क्या है कि वो एक वायरस और एक बैक्टीरिया जो मर सकता है सूर्य की तेज रोशनी में, है ही नहीं वहां पर, तो वो तो फैलने वाला है, बढ़ने वाला है, तो दवा देके ही उसको रोक पाएंगे। अब हम उनकी नकल करके भारत में भी यही शुरू कर देते हैं, मास वैक्सीनेशन, सबको हेपेटाइटिस बी के टीके लगाओ, पाए हो या ना हो, सबको पोलियो का वैक्सीन देते जाओ, हो या ना हो, सबको ये वैक्सीन दे दो, सबको वो वैक्सीन दे दो, ये उनकी नकल करके हमने अपने देश में जो शुरू किया है, ये अपना ही सर्वनाश करने का काम हम कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, एक तो फालतू खर्चा हम करते रहते हैं, दूसरा हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर को क्षमता दे रखी है बीमारी से लड़ने की, और जो वैक्सीन या दवा हम लेते हैं वो हमारी उसी क्षमता को प्रभावित करती रहती है। तो अंतिम दुष्परिणाम यह होता है कि आपने जिन बीमारियों से बचने के लिए टीके लगवाए, थोड़े दिन के बाद ये बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने लगती हैं भारत। फिर हम इतने परेशान हो जाते हैं, डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हैं, डॉक्टरों के पास भी उसका कोई इलाज नहीं होता है, तो अंत में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हमारी आंखों के सामने तिल तिल करके लोग मरते हैं, हम असहाय होकर देखते हैं। गलती कहां होती है? यूरोप और अमेरिका में मास वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, एक छोटा भी कीटाणु या जीवाणु उनके यहां तबाह कर सकता है सबके स्वास्थ्य को। भारत में ऐसा नहीं है, इतना जबरदस्त सूर्य का प्रकाश है कि कोई जीवाणु कीटाणु दो दिन भी जिंदा रह जाए तो उसके लिए बड़ी बात। लेकिन हमने नकल करना शुरू किया और उसी का दुष्परिणाम आज हमारे जीवन में है कि जिन 108 करोड़ लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए था वो किसी न किसी बीमारी में फंसे हुए हैं। और भगवान न करे आने वाले समय में क्या होगा, हर 5 साल से छोटे बच्चे को हम पोलियो की वैक्सीनें पिला रहे हैं, एक बार पिलानी थी, दो बार पिलानी थी, अब 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, 25 बार हो गया, अब बंद ही होने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप में शायद ये मास वैक्सीनेशन जरूरी है, अमेरिका और उसके आसपास के देशों में जरूरी है, भारत में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अपनी मां के गर्भ से, अगर मां स्वस्थ है तो उसको इस तरह की कोई चांस नहीं। लेकिन आप दे रहे हैं उसको वायरस, वैक्सीन के रूप में वही वायरस आप दे रहे हैं जो पोलियो पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। बस इतना ही अंतर है कि वो मृत स्वरूप में है, लेकिन अंदर जाके कभी जीवित हुआ तो वही पोलियो कर देगा।
और ऐसे में आपको हजारों केस दिखा सकता हूं इस देश में जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद ही पोलियो हुआ है। मैं स्वयं भी चिकित्सा का कार्य करता हूं लेकिन सेवा के लिए, पैसे के लिए नहीं। मेरे पास हर साल में ऐसे सैकड़ों बच्चे आते हैं जिनकी माँ शिकायत करती है, वो राजीव भाई इनको पोलियो वैक्सीन दिया, अभी देखो फिर पोलियो हो गया, चक्कर क्या है? तो उसको मैं समझाता हूं, समझ में नहीं आता उनको, शायद उसको नहीं देते तो कभी नहीं होता। कम से कम मेरी जनरेशन में जितने लोगों को मैं जानता हूं किसी ने पोलियो वैक्सीन नहीं लिया, हम में से तो किसी को पोलियो नहीं हो गया। कारण क्या है? हमको बचाने वाला सूर्य है, हर दिन है, और गर्मियों में जब सूर्य का तापमान 50 डिग्री चला जाता है तो आप तो परेशान होते हैं गर्मी से, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि वो 50 डिग्री तक पहुंचकर सब जीवाणु कीटाणुओं को साफ कर दे। हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध बिना सोचे बिना विचारे बिना समझे हम ये सब कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम में बीमारियां बढ़ रही हैं। और एक दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि यूरोप में भयंकर ठंड है, भयंकर ठंड है तो प्रकृति ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। कारण क्या है? आप जरा थोड़ी देर ऐसी कल्पना करो कि बर्फ की मोटी मोटी परत खेत में 6-6 महीने है, 8-8 महीने खेत में बर्फ जमी हुई है, अब इसमें कुछ उगेगा, कुछ पैदा होगा खेत में? हम कितना भी बीज डालें खेत में से घास का तिनका नहीं उगने वाला, क्योंकि घास का तिनका भी उगने के लिए सूर्य की धूप लगती है, सूर्य का प्रकाश लगता है। आपके पास कितना भी अच्छा बीज हो, कितना भी अच्छा खेत हो और कितनी भी अच्छी खाद हो, जो सूर्य का प्रकाश नहीं है तो बीज में से अंकुरण भी नहीं होता। तो यूरोप और अमेरिका के इलाके में खेत की मिट्टी में से कुछ पैदा नहीं होता। लेके उनके यहां 2-3 फसलें होती हैं, वो भी तब जब गर्मी आ जाती है। गर्मी तो बहुत आती नहीं है उनके यहाँ, लेकिन सूर्य थोड़ा दिखाई देता है साल में 2-3 महीने, उन्हीं दिनों में कुछ उनके यहाँ होता है। एक तो गेहूं हो जाता है कुछ देशों में, दूसरी हो जाती है मक्की, मक्का भुट्टा, और तीसरा कुछ देशों में हो जाती है कपास, चौथी कोई चीज उनके यहाँ ज्यादा होती नहीं, ज्यादा चीजों को वो बाहर से मंगाते हैं। अब उनके पास एक ही चीज है गेहूं, तो क्या खाएंगे? कोई गेहूं खाएंगे, बाजरी तो कल्पना नहीं कर पाएंगे। और ये गेहूं कुछ ही देशों में होता है, सब जगह नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। भारत में 6,32,000 गांव हैं, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुछ गांव के हिस्से 2 कर दिए हैं तो अब उनकी संख्या 8,32,000 के आसपास है। भारत के 8,32,000 गांव में कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में गेहूं हो जाएगा, कहीं भी चले जाइए किसी भी गांव में मक्की आ जाएगी, कहीं भी चले जाइए बाजरा हो जाएगा, कहीं भी चले जाइए धान हो जाएगा, राजस्थान के कुछ इलाकों को छोड़कर जहां बहुत सूखा है, बाकी बहुत सारी जगह धान हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, सब तरह की दालें हो जाएंगी, सरसों हो जाएगी, तिल हो जाएगा, माने जो कुछ हमें जीवन में चाहिए वो सब हिंदुस्तान के लगभग सभी गांवों में हो जाएगा। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप की तो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि गेहूं कुछ इलाके में होगा, मक्की कुछ दूसरे इलाके में होगी, कपास किसी तीसरे इलाके में होगी, सब्जियां होने की कल्पना उनके देश में हो नहीं पाती क्योंकि सब्जियों को होने के लिए सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश लगता है, और ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पाता तो सब्जियां हो नहीं पाती, थोड़ी बहुत दाल वाल हो जाती है। जो धान्य में पतली बाल निकलती है ना, पतली, जिसका स्टेम बहुत पतला है तना, वो तो वहां हो जाएगा, ले देके थोड़ा भी मोटा हुआ नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा चाहिए। तो उनके यहाँ सब चीज सब जगह नहीं होती, कुछ ही चीजें कुछ जगह होती है, तो इन चीजों को ही खाना उनकी मजबूरी है। अब उनके यहाँ गेहूं है, तो गेहूं है तो गेहूं को ही वो खाएंगे, उसके अलावा तो कोई कल्पना नहीं आएगी, और गेहूं को खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो ठंडी के कारण ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको एक कल्पना बताऊं, आप तो तुरंत समझ जाएंगे, आपने गेहूं का आटा गूंथना शुरू किया, कल्पना करिए अचानक से तापमान 0 के नीचे चला गया तो आटा ही नहीं गूंथ पाएंगे, आपकी जो उंगलियां हैं ना एकदम जाम हो जाएंगे, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी,
और शून्य के नीचे 5 डिग्री गया, 10 डिग्री गया, तो ये तो हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा हाथ का। और जो आटे में पानी मिलाया है वो तो कुछ और ही हो जाएगा, वो पानी ही बर्फ हो जाएगा, आटा को बर्फ में कैसे मिलाएंगे, तो रोटी नहीं बनेगी। इसलिए यूरोप में कोई रोटी बनाना नहीं जानता, रोटी नहीं बना पाते। गेहूं है, गेहूं का आटा है, लेकिन रोटी बनाना नहीं है उनके यहां, जानता भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति मजबूर करती है उनको कि तुम बना ही नहीं सकते रोटी। रोटी तो उन्हीं देशों में बन सकती है जहां तापमान समशीतोष्ण होता है, उंगलियां भी काम करती रहे, हाथ की कलाइयां भी काम करती रहे, आटा और पानी का बैलेंस बना रहे, तो रोटी बनने का काम शुरू हो सकता है। उनके यहां तो संभव नहीं है। तो वो करते क्या है, आटे को सड़ाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड करते हैं। और सड़े हुए आटे में से सिर्फ पाव रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती। सड़े हुए आटे में से डबल रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती, चपाती नहीं बन सकती। तो वो बेचारे मजबूर है कि आटे को सड़ाएं, और सड़ने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाएं, उन टैंकों का टेम्परेचर मेंटेन करें, बाहर की दुनिया से उन टैंकों को काट के रखें, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो वहां क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जहां गेहूं भेजा जाता है, और उन फैक्ट्रियों के अंदर आप कभी जाके देखें तो आटे को सड़ाया जाता है, टैंकों में भर के रखा जाता है, और वो आटा 2 दिन 5 दिन 10 दिन सड़ता रहता है। आंखों से, खुली आंखों से देखें तो उसमें कीड़े बदबदाते रहते हैं, छोटे छोटे कई बार, जो उनके इलाकों में बहुत होते हैं। फिर उन्हीं कीड़ों को आटे के साथ मैश कर दिया जाता है, फिर उसी से पाव रोटी बन जाती है। अब उस पाव रोटी को ही खाना है सवेरे दोपहर शाम चौथी, जब भी भूख लगे, क्योंकि और कुछ है नहीं खाने के। तो उन्होंने पाव रोटी के कई प्रिपरेशन बनाए हैं। पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ सलाद लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ मक्खन लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें गाजर मूली ककड़ी भर दो, पाव रोटी को बीच में से काटो तो इसमें कुछ सॉस भर दो, और उन्हीं को कुछ कुछ नाम है दे दिए, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, है वो सब पाव रोटी ही। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये जो गेहूं का आटा वो सड़ा के पाव रोटी या डबल रोटी बना लेते हैं, अब ये वही खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, क्योंकि जिनके वातावरण और तापमान का प्रकृति के हिसाब से मेल बैठता है ना, वही उसको खा पी के पचा भी सकते हैं, आपके तो बस की बात नहीं। हालांकि आजकल वहां के भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ये अब आसानी से पच नहीं रहा, क्योंकि आपके पेट में जो सिस्टम है भोजन को पचाने का, वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है।